कश्यप ऋषि ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे, क्योंकि ब्राह्मण और संत जन भक्त जन संध्या वंदन करते हैं। संध्या कहते हैं जिस समय भगवान भास्कर छिप रहे होते हैं और थोड़ा सा प्रकाश होता है, उसे संध्या प्रहर कहते हैं। जो कि रात्रि नहीं कहा जाता और दिन भी नहीं कहा जाता, उसे संध्या ही बोला जाता है। और संध्या वंदन हो रहा है, लेकिन यह बहुत समय के बाद पतिदेव के आने पर कामप्रीत भावना है, माता दिति के अंदर जागृत हो गई और वह उनके पास में जाकर के उनके मन को विचलित करने लगी। जब उनके मन को विचलित करने लगी तो ऋषि कश्यप ने देखा, भजन को छोड़ करके उनके मनोरथ को पूर्ण करने के बाद स्वच्छ होकर के ध्यान मुद्रा में आए, लेकिन माता दुखी को आज बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ है और अपने पति देव के चरणों में आकर के प्रार्थना कर रही है, स्वामी मुझे क्षमा कर दो आप। लेकिन कश्यप जी ने बहुत सुंदर बताया है दुखी को, देवी आपने भगवान रुद्र का निरादर किया है, और जिस समय भगवान रुद्र का पैरा होता है, संध्या बेला होता है, उस समय पर चार कार्य नहीं करने चाहिए हमें, ध्यान देना है। वह चार कार्य कौन से नहीं करने चाहिए, समय का अभाव है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आजकल न जानकर जाने अनजाने में हम वह भूल कर बैठते हैं। वह चार कार्य हैं जो कि हमें संध्या बेला पर नहीं करने चाहिए। वह पहला कार्य है, संध्या के समय पर कभी भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि संध्या के समय पर जिस समय संध्या बेला होती है, या तो उससे पहले भोजन कर लो या उसके बाद भोजन करो। अगर संध्या के समय पर भोजन किया जाता है तो नाना प्रकार के रोग हमारे अंदर ग्रसित हो जाते हैं, और संध्या के समय पर कभी भी हमें विषय वासनाओं को धारण नहीं करना चाहिए, यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, अगर विषय वासनाओं को संध्या के समय पर अपने मन में धारण करोगे तो दुष्ट संतान पैदा होगी, वह संतान कभी माता पिता का बुजुर्गों का कल्याण नहीं कर सकता है, सम्मान नहीं कर सकता। और ध्यान रखना है स्वाध्याय, यह पठन पाठन भी संध्या के समय नहीं करना चाहिए, जिससे विवेक नष्ट होने का भय होता है। तीसरा और चौथा, निंद्रायाम हरते लक्ष्मी, अगर संध्या के समय पर निंद्रा देवी को बुलाया जाता है, सो रहा होता है जीव, गहरी निंद्रा में जाया जाता है, तो वहां से लक्ष्मी जी किनारा करके चली जाती हैं। संध्या के समय पर कभी भी हमें शयन नहीं करना चाहिए, निंद्रा देवी को नहीं बुलाना चाहिए, यह चार कार्य निषेध हैं और ऐसे नहीं करने चाहिए। इसलिए माता दिति ने यह भूल की, विषय वासनाओं का ध्यान नहीं कर पाई, इसलिए दुष्ट संतान होने का भय हो गया उनको, और बता दिया कश्यप जी ने, अब तो तुम्हारे यहां पर दुष्ट संतान होगी, दैत्य प्रवृत्ति के होंगे वह। माता दिति भी पतिव्रता नारी है, ठीक है महाराज, अगर ऐसा है तो फिर मैं संतान उत्पन्न नहीं करूंगी। 100 वर्ष तक माता दुति गर्भ को धारण करती रही हैं, 100 वर्ष हो गए, प्रसव काल नहीं होने दिया, लेकिन आज देवता लोग घबराने लगे, समुद्र में ज्वार भाटा होने लगे, भूकंप आने लगा, अब क्या होगा, 100 वर्ष हो चुके हैं। जब जाकर के देवताओं ने कहा कश्यप जी से, तो कश्यप जी ने अपनी पत्नी को जाकर बताया, देवी मैंने जाना है, आपके यहां पर बहुत बड़ा भक्त आने वाला है, और मैं यह वरदान देता हूं, यह समक्ष मैंने भगवान से पाया है कि हमारे यहां पर आपका जो पौत्र होगा वह भगवान का श्रेष्ठ भक्त होगा, बड़ा श्रेष्ठ भक्त। लेकिन इस बात को तुम्हें सोचना है, यह पौत्र कब होगा, जब पुत्र होंगे, और जब तक पुत्रों का प्रसव नहीं होने दोगी आप, तुम्हारे यहां पौत्र नहीं हो सकता। ऐसा पौत्र होगा आपका जो कि कल्याण कर देगा तुम्हारे जीवन का, सारे परिवार को, सारी पीढ़ियों को भगवान की शरणागति प्राप्त कराने वाला भक्त तुम्हारे वंश में तुम्हारा पौत्र बनकर के आएगा देवी। इसलिए और तो पुत्र की दैत्य प्रवृत्ति की जो भावनाएं थी वो निकल गई, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन पौत्र मेरा बहुत बड़ा भक्त होगा, इसलिए पौत्र की लालसा में माता दिति ने प्रसव काल को होने दिया। तो 2 संतान माता दिति की हुई हैं, और इन दोनों पुत्रों
मैं बड़ा एक से एक बड़ा भलंकारी है। एक का नाम है जो बड़ा वाला है हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम है हिरण्याक्ष। देवताओं को जाकर यह लड़ने लगा है, नाना भांति युद्ध करता है, सभी घबराते इनसे। लेकिन बताया जा रहा है स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं 12 भगवान पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित करने के लिए जा रहे हैं, तो उस समय हिरण्याक्ष का वध कर डाला है। और जब हिरण्याक्ष का वध हो गया है ना, तो पारिवारिक जन माताएं आदि रो रहे हैं, तो यह हिरण्याकश्यप ने आकर उन्हें समझाया है, मां मेरा भाई वीर गति को प्राप्त हुआ और वीर पुरुषों के लिए कभी आंसू नहीं बहाए जाते। यह जीवन है आवागमन का एक नाटक। संसार में जीव आता है, चला जाता है, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर आने वाले का सम्मान करो। जाने वाले को तो तुम रोक ही नहीं सकते हो, बस में नहीं है तुम्हारा, जाने दो। और बड़ा सुंदर कह दिया मां, इतना बड़ा दृष्टांत इतना समझा रहा है, लेकिन यहां अपने सिंहासन पर बैठ करके मंत्री जनों से सलाह करने लगा, यह नारायण मेरे परिवार का शत्रु है, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ कि मैं इस नारायण से युद्ध कर पाऊं और इसे परास्त कर बंदी बना लूं, मार डालूं इसे। लेकिन हमारे साथ में ही हमारे से जुड़े हुए लोग भी है ना, दो प्रकार के होते हैं महाराज। एक तो होते हैं हमारे हितैषी, जो कि आपको बुरा लगता है तो लग जाओ लेकिन सही ही बात बोलेंगे। एक होते हैं चुगलखोर, जो कि तुम्हारी बड़ाई तुम्हारे मुंह पर करते रहेंगे लेकिन पीछे जाकर बुराई करेंगे, हा? अच्छा है हो जाए इसका। लेकिन ईमानदार जो लोग होते हैं, चाहे कटु लग जाए, आपको बुरा लगता है तो लग जाए लेकिन आपको कह देंगे। ऐसे ही मंत्रियों ने हिरण्यकश्यप के जीवन को कुछ समय तक शेष रखने के लिए बोल दिया है, नारायण से युद्ध करना संभव नहीं है राजन, उनसे युद्ध करने के लिए तो तपस्या करनी होगी, आपके पास सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आप तपस्या करो, शक्तियां उत्पन्न करो, और जब शक्तियां उत्पन्न कर लोगे तो फिर देखा जाएगा। इसलिए हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया, लेकिन ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए जैसी लगा है, इंद्र देवता भयभीत हो गया, सबसे पहले यह मेरा ही शासन काल को छेड़ेगा। एक तोता बनकर कि ना आज वहां पेड़ पर बैठ गए, आकर जहां तपस्या करना चाहिए, नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यप ने देखा यह तो नारायण नारायण का जाप कर रहा, और यह नारायण मेरा शत्रु है, शत्रु का मेरे तपस्या करने से पहले स्मरण हो गया, आप शगुन हो गया। बताओ नारायण का स्मरण कोई कर रहा है हमारा कोई काम करने से पहले? अपशगुन हो गया उसका और चला गया दूसरी जगह, तीसरी चौथी, लेकिन वो तो नारायण नारायण नारायण। लौट करके आ गया हिरण्यकश्यप, उनकी पत्नी का नाम है कयाधु। हिरण्यकश्यप की जो पत्नी है ना, सुशील है महाराज, कयाधु, बड़ा सुशील गुण है उनके अंदर। अब देखा मेरे पति तपस्या के लिए गए थे, मन में लालसा जाग गई, लौट करके कैसे आ गई है? लेकिन उनके मन में यह बात है, अगर मैं अभी पूछ लेती हूं तो यह दैत्य राज है, पत्नियों की कोई कमी नहीं है, तलवार निकालेंगे, गर्दन पर चला देंगे, गोविंदाय नमो नमः। क्या करना चाहिए? लालसा उत्पन्न है ना, करना कैसे चाहिए? अब पति से कुछ पूछना है तो किस तरीके से पूछना चाहिए? यह माता कयाधु के द्वारा समझाया जा रहा है माताओं को। बहुत सुंदर जल, ठंडा जल देकर के आज उनको पिलाया है स्वामी, आइए अंदर लेकर के गई है, बहुत अच्छी तरह से उनको विश्राम कराया, अपने हाथों से भोजन बना करके खिला रही है, हवा कर रही है। लेकिन आज बड़े प्यार से कह दिया है, उसी समय एक बात बता दो मुझे, आप तपस्या करने के लिए गए थे कैसे लौट आए? स्वामी मैं एक बात भी और, वो बात भी कह डाली लेकिन एक बार उसे रोक करके एक बात और कहती है, मैंने आपकी जैसा बलवान है ना संसार में कहीं नहीं देखा, आप तो बहुत बड़े बलशाली हैं। लेकिन पुनः फिर कह दिया, एक बात बताओ तपस्या करने गए थे क्यों लौट आए? किसी अभिमानी के सामने थोड़े से उसकी अभिमान भरी बात कर दो ना, फूल कर लट्टू हो जाता है, वाह सही कह रहा है तू, ऐसा ही होना चाहिए। और हिरण्यकश्यप ने कह दिया, देवी सत्य कहती हो तुम, मेरे बराबर बलशाली योद्धा संसार में कोई नहीं है, वही तो कह रही हूं आप गए थे तपस्या करने लौट क्यों आए? कयाधु ने जब पूछा तो यह कहने लगा है, देवी
मैं जब वहां तपस्या करने के लिए बैठा था ना, तो वहां पर एक तोता आया और वह नारायण 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 कहने लगा। कयाधु ने देखा आज पहली बार अपने पति के मुखारविंद से नारायण भगवान का नाम सुन रही हूं। भाव कुभाव अनक आलस नाम जपत मंगल रे ओ भाव कुभाव अनक आलस नाम जपत मंगल दिस दस। भाव से कुभाव से भगवान कितने भले हैं, कितने प्यारे हैं गोविंद भैया। भाव से बुलाओ, कुभाव से बुलाओ, प्रेम से बुलाओ, शत्रु बना लो, मित्र बना लो, जो आए गालियां दो लेकिन मुझे अपना बना लो। भाव कुभाव अनक आलस नाम जपत मंगल दिस भाव कुभाव अनक आलस नाम जपत मंगल दिस रस। कैसे भी बजो भाई, भगवान को भज लो ना, उद्धार हो जाता है। आज कयाधु ने जान लिया मेरे पति का कल्याण इसी में, कि ज्यादा से ज्यादा मैं अपने पति से भगवान नारायण का नाम ले पाऊंगी। और बना दी व्यवस्था बहुत सुंदर, अपने हाथों से बिस्तर लगा करके शयन कक्ष में पहुंचा दिया। और अपना कार्य पूर्ण करने के बाद एकदम से आकर के पैर दबाने लगी। स्वामी अभी अभी मेरे मन ने सोचा, आपने बोला था वह तोता नारायण, लेकिन मैंने तो सुना है तोते बोलते नहीं है, लेकिन वह तोता नारायण कैसे बोल रहा था। लेकिन हिरण्यकश्यप ने कहा, मैंने अपने आप सुना, देखा कानों से और आंखों से देखा, कानों से सुना, बोल रहा था। क्या बोल रहा था? अरे बताया तो था क्या? नारायण 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 बोल रहा था। कयाधु ने कहा, एक बात बता दूं मैं आपको, अगर वह तोता वहां आके बोलने भी लगा तो तपस्या करने से लौट के क्यों आए? दूसरी जगह पर आप चले जाते, तीसरी पर चले जाते, चौथी जगह। हिरण्यकश्यप कहने लगा, देवी ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं और मैं बारी बारी से जगह बदलता हुआ चला गया। वो तोता मेरे पीछे क्या कह रहा था, कुछ और बता, कहा उसने? नहीं, नारायण 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 ही कहते। और बार बार ऐसा प्रयत्न करते 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 108 बार नारायण ध्वनि का स्मरण कर रहा है। बोल दो एक बार प्यार से नारायण भगवान की जय। 108 बार पूर्ण माला को करा दिया। और इसी का प्रताप था, रात्रि का समय व्यतीत होने के बाद यह माता कयाधु को भक्त की भावनाएं नारायण शब्द के अनुसार जागृत हुई उनके घरों में। प्रातःकाल हुआ, यह हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चले गए। भगवान ब्रह्मा जी का इन्होंने कठोर तपस्या की, कठोर तप किया। देवता लोग यहां इनकी पत्नी को पकड़ करके ले गए, क्योंकि वह मार देना चाहते हैं उनकी पत्नी को, क्योंकि उनके घरों में हिरण्यकश्यप का एक पुत्र है और आज इसका पिता हमें परेशान करने के लिए तपस्या कर रहा है। कल पुत्र उत्पन्न होगा, वह परेशान करेगा, हम तो परेशानियों से कैसे, आज छोटा है, गर्भ में है, मारा जा सकता है। लेकिन नारद जी ने आकर के बता दिया, मूर्ख देवताओं, जिस भक्त के द्वारा तुम्हारे प्राण बचने वाले हैं, जिस भक्त के द्वारा तुम्हारा शासन काल बचने वाला है, उसी भक्त को मारना चाहते हो। कयाधु के गर्भ में एक बहुत बड़ा भक्त है और तुम्हारे कल्याण को करने वाला है वह। और छोड़ दिया, नारद जी ने अपने आश्रम में लेकर आ गए। यही इस प्रधाद नाम के भक्त की उत्पत्ति माता कयाधु ने नारद जी के आश्रम में की। गर्भ धारण करते समय भी नारायण ध्वनि का स्मरण था, माता भी बड़ा सुंदर नारायण का ध्यान करती थी और यहां आश्रम में भी आकर के नारायण नारायण का स्मरण होता था, इसलिए प्रहलाद के रंग रंग में वह नारायण समादृष्ट हो गया।
प्रहलाद रूपी बुद्धि को नारायण रूपी ग्रह ने बंद करके ताला लगा दिया, लॉक, कोई नहीं खोल सकता। बेहतर आइएगा, यहां कश्यप की तपस्या पूरी हो गई, ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए, वत्स मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हिरण्यकश्यप ने कहा, देना चाहते हो ना तो मुझे यह वरदान दे दो कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, यह अमर होने वाला वरदान तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन कुछ और मांगना चाहते हो तो बताओ, अमर होने जैसा मांग लो। तो बड़ा सुंदर कहा है आज हिरण्यकश्यप ने, वरदान मुझे तुम देते हो। ब्रह्मा जी, मैंने तपस्या की है, सावधान हो जाओ, मैं आपसे वरदान मांगूंगा। क्या वरदान? जो मैं चाहूंगा वही मांगूंगा, सावधान हो जाइए, विचलित मत हो ना फिर आप। ब्रह्मा जी ने कहा, मांग, क्या मांगना चाहता है? वरदान मुझे तुम देते हो तो सावधान अब हो जाओ, वरदान मुझे तुम देते हो तो सावधान अब हो जाओ, वरदान मुझे तुम देते हो। हाँ, वरदान मुझे तुम देते हो तो सावधान अब हो जाओ, वरदान मुझे तुम देते हो तो सावधान अब हो जाओ, और मुझे अमरता पाने का, और मुझे अमरता पाने का वरदान आज दे कर जाओ, मुझे अमरता पाने का। सके ना मुझे कोई बीमार सके ना मुझे, आपकी सृष्टि का बनाया हुआ कोई भी जीव मेरा बद न करवाए। ब्रह्मा जी, आपकी सृष्टि का कोई भी जीव, कोई बीमार सके ना मुझे, मैं कभी किसी से भी न डरूं, मैं कभी किसी से भी न डरूं, कभी किसी से भी न डरूं, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, बाहर न मरूं भीतर न मरूं, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, बाहर न मरूं भीतर न मरूं, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, बाहर न भीतर ऊपर न नीचे, न दिन में न रात्रि में, मेरे मरने के लिए 12 महीनों में से कोई भी महीना नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने एकदम से बोल दिया, तथास्तु, मेरा काम देना है वरदान, मारने वाले का काम है अब कैसे तुझे मार के जाता है, तथास्तु, जो मांगा वही मिलेगा। ब्रह्मा का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन गया हिरण्यकश्यप। अब तो महाराज कौन जाएगा पास में, ब्रह्मा की सृष्टि का कोई जीव नहीं मान सकता है, न दिन में न रात्रि में, न बाहर न भीतर, न 12 महीनों में से कोई महीना, न ऊपर न नीचे, श्रेष्ठ हो गया। सबसे पहले ब्राह्मणों के यज्ञोपवीतों को निकाल कर बलपूर्वक मदरा पिलाता है, यज्ञ को बंद कर दिया, देवताओं को अपने शासन काल में कर लिया है, सब कुछ त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। वो जमाना था हिरण्यकश्यप का,
ध्यान रखना हिरणा कश्यप कौन होता है? जो भगवान की पूजा न करा करके अपनी स्मृति याद कराने वाला होता है, अपने से जोड़ करके केवल रख लेता है, अपने तक सीमित रखने वाला होता है, वही पापी हिरणा कश्यप होता है। और आज के जमाने में हिरणा कश्यपों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो ठाकुर जी के निमित्त बना दे, जो कि जोड़ना भी है तो ठाकुर जी से जोड़ दे, ऐसा होना चाहिए सतपुरुष। उस समय पाठशालाओं में हिरण्यकश्यप का शासन काल था, बहुत बड़ी दुर्दशा थी, नर मांस पकाए जाते थे पाठशालाओं में, मनुष्यों का मांस पकाया जाता है। उस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत निकाल दिए, नीचे डाल दिया, बलपूर्वक मदरा पिलाती उनको। उस समय पे गीता रामायण ईंधन के बदले जलते थे, उस समय देव प्रतिमाओं पर मृदंग हथौड़े पड़ते। हमारी जो स्थापना, हमारी जो भावना जुड़ी थी परमात्मा से मूर्तियों की, जो कि हम आस्था बना लेते हैं अपनी, उन्हें तोड़ दिया गया। अहम अस्मि ब्रह्मा, मैं भगवान हूं, मैं हूं शंकर, मैं महादेव, मैं विष्णु, मैं नारायण, सर्वस्व ब्रह्मांड का भगवान मैं हूं। मूर्तियां होंगी तो मेरी पूजा होगी, तो मेरी भजन होगा, तो मेरा यज्ञ होगा, तो मेरा उस जमाने का भगवान हिरण्यकश्यप बन गया। देवता भगवान के पास में चले गए, स्तुति कर रहे हैं प्रभु जी, लेकिन लुप्त हुए भगवान ने आकाशवाणी की है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भी साथ में थे। माता पृथ्वी का दूसरा रूप है गाय, और गाय के रूप में यह माता पृथ्वी भगवान के दरबार में जाकर कह रही है, प्रभु यह क्या होने वाला है, अब इसका भार मुझसे नहीं सहन होता है। तब भगवान ने आकाशवाणी की, यदा देवेश देवेश गोस विप्रेश साधु धर्म मई चवि द्वेश सवा आश्रुष्य, जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जब जब हो धर्म की हानि बड़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विभिद शरीरा, तब तब प्रभु धर विभिद शरीरा, न संतोष श्री राम जय राम, प्यार से जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत जब जब पापियों का अत्याचार बढ़ता, भगवान कह रहे हैं तब तब मैं हर युग युग में हर रूप से नाना विविध माने नाना प्रकार का मानव माने मनुष्य का रूप धारण करके आता हूँ, जगत का कल्याण भक्तों का कल्याण करता हूँ। निर्भय हो जाइएगा, मैं भी आपका कल्याण करने के लिए देवता लोगों आ रहा हूं, और ऐसे हिरणा कश्यप जैसे पापियों का विध्वंस करने में मुझे बहुत समय नहीं लगता है। और आज देवताओं को निश्चिंत कर दिया है, इधर बड़ा सुंदर समय है, या अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र को अपने राजकाल में ले आया था, मैंने आपको बता दिया, उसका नाम था प्रह्लाद। और मैं आपको बता चुका हूं प्रह्लाद क्या होता है। प्रह्लाद कहते हैं उसको जिसकी स्वाधीनता और प्रसन्नता, कहने का मतलब है जिस काल में जिस भाल में जिस हाल में रहे राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहे, हैं? वही होता है भक्त भगवान का, किसी भी परिस्थिति में स्वाधीनता प्रसन्नता का अनुभव करने वाला, कोई भी विषय कैसा भी है लेकिन प्रसन्न चित्त,
वो होता है प्रहलाद। और वैसे ही ठाकुर जी का यह भक्त प्रहलाद है, अपने पिता का इतना तांडव कुछ भी असर नहीं कर रहा उसके ऊपर। और एक दिन निकल करके जा रहा था दरबार से कि एकदम से वो सारा किया, अरे ओ पुत्र प्रहलाद, आकर के पिताजी को नमन कर दिया। बालक को अति प्यार से गोद लिया बैठा, पिताजी ने पुत्र को गोद में बिठा लिया। पूछा तुम्हें संसार में है किससे अति प्यार, अब यह बता दो पुत्र प्रहलाद तुम्हें कौन प्यारा लगता है। आज के पुत्र से पूछोगे छोटा बालक को कौन प्यारा लगता है, अगर दादी ऐसे दिखा देती है ना पॉकेट में से नोट तो वही प्यारी है। और इधर बाबा ने उससे भी बड़ा दिखा दिया, हम तो भाग करके चला जाएगा। दादी दादा बाबा मामा आदि जो भी, लेकिन यहां प्रहलाद जी क्या कर रहे हैं, मुझे कौन प्यारा लगता है पिताजी, नाम प्रभु को शांति दायक वाकु अपने चित्त धरो, जो चाहो भव बंधन काटन प्रेम से प्रभु की करो। केवल मुझे प्यारा लगता है भगवान का स्मरण, भगवान का नाम हरि गुणगान करना अच्छा लगता है, बाकी संसार में मैंने किसी से प्रीति नहीं की, कोई मेरा नहीं है, केवल मैं तो ठाकुर जी के निमित्त नारायण से प्यार करता हूं, हरि से प्यार कर। तो देखा ये तो नारद जी के पास से आया, इसलिए गुरु संडामर्क को बुलाया, ले जाओ इसे हमारे राज्यकाल में कौन सी विद्या होती है क्या होता है वो सिखाओ। गुरु जी ने प्रहलाद पर प्रयत्न किया है, लेकिन ध्यान रखना जहां पर ठाकुर जी ने आकर स्वच्छ साक्षात्कार जैसे करा दिया वहां कौन असर करेगा, गुरु जी को ही पढ़ा देते हैं वो उल्टा। भैया नारायण तेरे परिवार का शत्रु है, तेरे चाचा का वध किया था नारायण ने, इसलिए तेरा भी शत्रु है, तू ऐसे क्यों करता है भैया। प्रहलाद जी ने कहा एक बात बताओ, मेरे पिताजी मेरे चाचा जी को नारायण ने मारा था, इसलिए तो आपको बैर है ना। हाँ तो सुनिए गुरु जी, तुम्हें मारने वाले भी नारायण है, मेरे पिताजी का वध भी नारायण करेंगे और मेरा भी वध नारायण करेंगे। गुरु जी ने देखा बाप रे, ये तो क्योंकि हर जीव को ले जाने वाले लाने वाले नारायण ही तो है, और कौन है। लेकिन बार बार फिर बुला लिया है, क्या पढ़ा पाठशाला में, पिताजी ने पूछा, बड़े प्यार के साथ में कह दिया है मैंने, नवदा भक्ति पढ़ करके घोट करके घिस करके पी लिया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास संख्यम आत्म निवेदन, नौ प्रकार की भक्ति, नब्दा भक्ति का पान कर लिया है मैंने, यह पढ़ लिया अब तक। और जैसे ही भगवान की व्याख्या करने लगा, बखान करने लगा, उठा करके हिरण्यकश्यप ने फेंक दिया, ले जाओ उसे, यह मेरा शत्रु है। और पावक बैरी रोग ऋण से सौ राखिए नाय, यह थोड़े से बड़ा भाव कोट यतन से जाए, मार डालो इसे। और यहां पर तो भैया जैसे ही आज्ञा मिली सेवकों ने पकड़ लिया, मारना चाहते हैं नाना प्रकार से, लेकिन प्रहलाद का कोई बाल बाका नहीं। पासिनी से बांध के अगाध नीर बोर राखे, तीर तलवारों से ये मार मार हारे हैं, गिरते गिराए दयो दर पौना नैक यह, तब मतवारे भारे हाथी तर डारे हैं। नाना प्रकार से अपनी बहन होलिका को बुलवाया, स्वयं जल गई, प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। फिर सिर और ले अग्नि माहे जा रहे हैं, और पीछे भीड़ ये लगाए नाग कारे हैं, लेकिन भावते के प्रेम में मगन कछु जान नहीं, ऐसे प्रहलाद पूरे प्रेम मत वाले, ऐसे प्रहलाद पूरे प्रेम मत वाले। मारने का पूरा प्रयत्न किया लेकिन नहीं मरने में आते, काल कोठरी में बंद कर दिया है, भोजन नहीं मिलेगा तो अपने आप मर जाएगा, जाओ बंद कर दो इसे अंधेरे की काल कोठरी में। और जैसे बंद कर दिया, लक्ष्मी जी को भगवान नारायण ने बोल दिया, आप यहां आराम से बैठी हो, मेरा भक्त भूखा है, जाकर के भोजन कराओ ना उसे। राज माता लक्ष्मी जी अपने पुत्र प्रहलाद के लिए कयादु का रूप रख करके आ गई अंदर कारागार में। बेटा माता कयादु को देखा,
आंखों में नव अश्रु हो गए प्रहलाद को, माता के चरणों में गिर पड़ा है, बेटा भोजन कर ले, नहीं माँ, लेकिन आज का यादू बनी लक्ष्मी ने कह दिया है, अगर तू भोजन नहीं करेगा ना, जब से तुझे कष्ट मिल रहा है ना, तब से मैंने भोजन नहीं किया, भूख लग रही है पुत्र, तू करेगा तो मैं भी करूंगी, और आज प्रहलाद को भोजन करा के माता लक्ष्मी जी चली गई। सेवकों ने जाकर कहा जिसे मारना चाहते हो ना भूखा रख करके, वह मरने वाला नहीं सेहत बना रहा है, कारागार के अंदर रहने पर ऐसे ऐसे व्यंजन तो आपने नहीं देखे होंगे, वो खा रहा है वहां पर। अब तो हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ गया है, और आज बहुत बड़ा खम्मा गरम कराया, एक लेकर आओ उसे, निकाल करके लाए गया प्रहलाद को, अब देखूंगा तेरा भगवान तुझे कैसे बचाएगा, देखूंगा तेरे भगवान को मैं, पकड़ो इसे, बांध दो इस खम्ब से। लेकिन खम्ब की ओर देखा तपता हुआ लो लू हो रहा है, गरम खम्ब है। प्रहलाद जी ने जैसी दृष्टि डाली, भगवान ने प्रहलाद की दृष्टि डालते ही दृश्य दिखा दिया, एक चींटी चढ़ करके जा रही है उसके ऊपर, छोटी सी चींटी का कुछ नहीं हो पा रहा है तो प्रहलाद का क्या होगा। इसलिए प्रहलाद जी ने कह दिया है, पिताजी मेरे भगवान बिना का सपने का देखूंगा तेरे भगवान को, कहां पर है, कैसे आएगा। और बड़ा सुंदर कह दिया आज हिरण्यकश्यप को प्रहलाद जी ने, तुझ में मुझ में हर खम्ब में, मेरा भगवान है ना पिताश्री, हर जीव मात्र के अंदर है, आपके अंदर मेरे अंदर इस खम्ब में भी है, तुझ में मुझ में हर खम्ब में व्याप रहे जगदीश। और एकदम से भाग करके खम्बे से चिपक गए, और जैसे खम्बे से चिपके अब तो कुछ नहीं हुआ, क्रोध पड़ गया हिरण्यकश्यप, सहारता हुआ आया, एकदम से खम्बे पर प्रहार किया, और जैसे खम्बे पर प्रहार किया खम्मा टूट गया, और जैसे ही खम्मा टूटा ऐसा प्रलंकारी शब्द हुआ, जैसे लग रहा है कि आज प्रलय करने के लिए भगवान शंकर हंस रहे हैं, यह आसमान टूट गया है, प्रलय कर शंकर हसो या टूटो आसमान, खम्ब मध्य से प्रगट भए, श्री नरसिंह भगवान, श्री नरसिंह भगवान, प्यार से बोलेंगे एक बार, नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। आज पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को, और पकड़ करके युद्ध कर रहे हैं, देवताओं ने देखा प्रभु जी संध्या होने जा रही है, मारा नहीं जाएगा, फिर लेकर के आगे देहली पर आ गए, और अपनी जंगा पर डाल दिया हिरण्यकश्यप, आज तुझे मार डालूंगा, तेरा पूरा ब्रह्मा जी से जो वरदान मांगा है अपनी लिस्ट खोल करके देख ले। अब कहता है मैं दिन में नहीं, रात में नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, सर्वस्व बता दिया है, ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं मारा जाऊं किसी जीव से, आज से पहले शायद ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा जीव तूने नहीं देखा होगा हिरण्यकश्यप जैसा मैं हूं, नहीं देखा मैंने तुझे, ना तो ऊपर मारा है ना नीचे मार रहा हूं, मेरी जंगा पर लेटा है तू, ना जमीन में ना आकाश में, ना भीतर ना बाहर, या देहली का स्थान होता है घर के देहली का भाग, ना घर के बाहर ना घर के भीतर, ना दिन में ना रात्रि में, या संध्या प्रहर है, आप फिर भी नहीं मारोगे, क्योंकि मैंने वरदान मांगा था 12 महीनों में से कोई महीना मेरे मरने के लिए नहीं हो, वो भी व्रता है हिरण्यकश्यप, यह 12वां महीना नहीं है, यह अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहते हैं, इसी लौंद का महीना है 13वां, फिर भी नहीं मार पाओगे आप, क्योंकि मैंने वरदान पाया था ब्रह्मा जी से, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति मेरा वध न कर पाए, कोई भी अस्त्र शस्त्र मुझे नहीं मार पाए, भगवान ने कहा मेरे हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं है ना हिरण्यकश्यप, नहीं है भगवान, तो देख मैं तेरा वध करने जा रहा हूं, और भगवान ने अपने विशाल नाखूनों को ऐसे लाया, और ऐसे ला करके आज उसके पेट में गाड़ दिया है, चीर दिया बीच में से, गोविंदाय नमो। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का वध कर दिया भगवान ने, प्रहलाद जी को राज अभिषेक कर दिया है, बड़े सुंदर भाव से प्रहलाद जी ने मनाया, उनको गोद में लेकर बैठे, जैसे माँ अपने पुत्र को अपनी गोद में बिठाल करके सर पर हाथ फेरती है ना, ऐसे ही भगवान नरसिंह जी ने प्रहलाद को गोद में बिठाल करके उनके सर पर हाथ फेरना प्रारंभ,
अब भगवान ने कहा प्रहलाद मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, कुछ मांग ले। ध्यान देना है, प्रहलाद जी ने कहा भगवान आप मुझे यह बताओ कि आपने ऐसा कौन सा वरदान है जो कि रख लिया मुझे नहीं दिया है। लेकिन भगवान कहते मैंने क्या दिया है तुझे। प्रहलाद जी ने कहा एक बात बताओ, कभी आपने भगवान शंकर को या ब्रह्मा जी को ऐसे गोद में बिठा करके उनके सर पर हाथ रखा है क्या। और प्रभु जी एक बात बता दूं, कभी आप किसी भक्त को वरदान देते हैं ना तो ऐसे करके कहते तथास्तु, आपका एक ही हाथ उठता है और एक हाथ आपके पास नहीं उठता वरदान देने के लिए, लेकिन आज आपके दोनों हाथ मेरे सर पर रखे हैं, इसका मतलब है सर्वस्व आपका है जो मेरा है, सर्वस्व आपका है वो मेरे पास में आ गया है। अब आपका और मेरा कोई भेद नहीं है भगवान, मैं तो आपके चरणों, लेकिन देना चाहते हो तो अपना वो विष्णु रूप का दर्शन देवताओं के कहने पर किया बहुत अच्छी तरह से। और जैसे ही देवताओं ने इशारा किया प्रहलाद जी को, आज भगवान लक्ष्मी नारायण रूप में प्रकट हो गए, आपके सामने भी प्रकट हो गए, प्रेम से बोलेंगे लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय जय। देखिएगा थोड़ा आप जल्दी जल्दी जयकारा बोल दें तो मैं भी थोड़ा जल्दी, क्योंकि आज आपका यह निर्णय है या निश्चित है आपको कि देखिए बामन भगवान की झांकी का भी दर्शन आज ही कर लेना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा कल के लिए। क्योंकि कल मैं आपको बताऊंगा अंत में बहुत ही आनंददायक झांकी होगी, इसलिए हमारे सामने भगवान नारायण है, माता लक्ष्मी जी है, इसलिए भाई भैया के द्वारा थोड़ा सा दो पंक्तियों का कुछ भजन होगा और ये आपके सामने बहुत अच्छा आनंद दिलाएंगे आपको प्रेम से। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में, श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री वृंदावन में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री बाके, श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में, श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो जीवन पावन, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो जीवन पावन में, मेरे बागे बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में, श्री बागे बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में।
राधा रानी नाच रही तेरे संग मेरा धरानी ओ तेरे संग मेरा धरानी नाच रही तेरे संग मेरा धरानी नाच रही तेरी मस्त मुरलिया बाज रही तेरी मस्त मुरलिया बाज रही तेरी बंसी तेरी बंसी तेरी बंसी मधुर रसाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में सीमा के बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में अपने चरणन में मन रखियो श्री वृंदावन मन रखियो अपने चरणन में मन रखियो श्री सिरवा के बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण में मेरे बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण में जय हो बस्ती में घूमते हुए सुरमा साज रहो तेरे नैनन सुरमा ओ तेरे नैनन सुरमा साज रहो नैनन सुरमा साज रहो तेर मुख पे पीड़ा राज रहो तेरे मुख पे पीड़ा राज रहो तेरे मुख पे मन रखियो अपने चरणन में मन रखियो श्री वृंदावन में मन रखियो अपने चरणन में मन रखियो श्री बागे बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में श्री बागे बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में श्री बागे बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में श्री बागे बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय राज राजेश्वरी राधिका रानी की जय। अब एक बात ये बताओ खड़ा होने के लिए कहा किसने था आपको वे हैं राज शासन काल किया और भगवान की भक्ति पाकर चले आगे आश्रम वाराश्रमों के विषय का धर्म बताया सुखदेव जी मामुनि ने राजा परीक्षित को और उसके बाद में गजेंद्र मोक्ष के विषय में बताया है गजग्राह के द्वारा बड़ा सुंदर गजेंद्र मोक्ष नारायण भगवान ने आकर के किया लेकिन बड़ा सुंदर कह दिया परीक्षित जी ने प्रश्न किया आगे गुरुदेव आप मुझे यहां बता दो भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण करके मंद्राचल पर्वत को कैसे उठाया आप यह कथा मुझे बता दें तभी बताया है यदा दुर्वासाय सेन्द्रालोका त्रयो नृपः निहम श्री काक्षा वस्त्रता निर्सुरेज्याद्यम क्रिया एक बार की बात है भैया ये ऋषि दुर्वासा जी ना आ रहे थे ठाकुर जी का पूजन करके मान लो ठाकुर जी की पूजन के साथ आप कभी जाते हैं ना तो आपने देखा होगा वृंदावन में दर्शन करने जाते हैं तो पुष्पों की सुंदर माला आपको भी दी जाती है ना वो वही माला सुंदर सुशोभित है जय माला
दुर्वासा ऋषि की आत्माएं लग रही हैं, देवराज इंद्र सामने से आ रहे हैं और दुर्वासा ऋषि ने उस माला को उनके गले में डाल दिया। देवताओं के राजाएं इनकी कीर्ति इनका प्रभाव बढ़ेगा इसलिए। लेकिन इंद्र ने अभिमान के साथ में उस माला को निकाला और अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया। और क्योंकि जैसा स्वामी वैसा सेवक। अब जब इंद्र ने निकाल दिया तो हाथी ने भी अपनी सूंड से वह माला निकाली, अपने पैरों में कुचल दी। महामुनि ऋषि दुर्वासा का इतना बड़ा अपमान, और जैसे देखा दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया है, तो मैं अहंकार हो गया है, लक्ष्मी का अभिमान हो गया है, श्राप देता हूं मैं तुम्हें, लक्ष्मी हीन हो जाओ राजन। तो दुर्वासा ऋषि का श्राप मिला, लक्ष्मी तेज नष्ट हो गया। दैत्य को पता चला, देवताओं को श्राप लगा है, राजा बलि ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया है और अपना अपना स्थान छोड़कर के भगवान नारायण के पास में आ गए। प्रभु त्राय माम रक्षा करो। भगवान ने कहा, देवताओं आज इस समय तो एक ही उपाय तुम्हारी सुरक्षा करने का मेरे पास है, और वह उपाय कौन सा है? वह उपाय है केवल एक, और वह उपाय है कि तुम जाकर के दैत्यों से मित्रता कर लो। क्योंकि आप आज मित्रता कर लोगे तो सदा सदा का संकट निकल जाएगा। क्योंकि जब तुम मित्रता करोगे ना, तो तुम देवताओं के और दानवों के द्वारा मैं सागर मंथन कराऊंगा, इस सागर मंथन में से अमृत निकलेगा, जिसे तुम्हें पिला दूंगा, तुम अमर हो जाओगे, फिर यह बार बार का झंझट समाप्त हो जाएगा। देवता लोगों ने झिझक तो की शत्रु के दरवाजे पर जाने पर, लेकिन अपना काम करने के लिए कुछ भी किया जाता है ना, चले गए। गुरु बृहस्पति जी के द्वारा पधारे हैं राजा बलि, धर्मात्मा राजा, इसलिए देवो अतिथि देवो भव, पूजन किया देवताओं, बुलाया। कैसे पधारे हो बताओ? देवता गुरु बृहस्पति जी ने प्रस्ताव रख दिया, अमृत की चाहना है, हम आप सभी पी लेंगे, सागर मंथन अमर हो जाएंगे। शुक्राचार्य जी ने कहा, नहीं, मेरे शिष्यों को जीवित करने का सामर्थ्य मेरे अंदर है, इसलिए मैं संजीवनी विद्या जानता हूं। लेकिन कह दिया बृहस्पति जी ने, जगत में जो आता सदा रह न पाता, रहता सदा वो है आता न जाता। आप आए हो तो क्या जाओगे नहीं, फिर क्या होगा? ठीक है, समझ में आ गया। सागर मंथन के लिए दोनों सेनाएं आ गई समुद्र के किनारे। मंद्राचल पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में डाला, बासुक सर्प को रज्जू बनाया खींचने के लिए। अब तो देवता लोग और यह दानव लोग जब उसे खींचने का प्रयत्न करने लगे, तो यह खींचने में नहीं आया है। जब ठाकुर जी को मनाया, सहस्त्र बाहु सहस्त्र भुजाओं के बल से इधर और इधर दोनों तरफ भगवान ने आकर के मंथन किया, और जैसे मंथन को खींचा, बहुत भारी होने के कारण मंद्राचल पर्वत नीचे समुद्र में जाने लगा। अब तो त्राई माम हे प्रभु जी बताओ हमें क्या करना है। उसी समय देवताओं का कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु कच्छप रूप माने कछुए का रूप धारण करके मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया और समुद्र में नीचे जाने से रोक लिया है। यह भगवान का परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी बता रहे हैं, कच्छप रूप जो हुआ है यह देवताओं का कल्याण करने के लिए और मंद्राचल पर्वत को उठाने के लिए हुआ है। एक बार प्यार से बोल दो, कच्छप भगवान की। और घनघोर वेग से मंथन प्रारंभ हो गया, और जैसे ही यह मंथन चलाया तो सर्वप्रथम मंथन के द्वारा हला हल काल कूट नामक विष निकला। और आज इस विष को देखते ही दैत्य दानव देवता सभी गबड़ा गए, सृष्टि उलट पुलट हो जाएगी, भगवान कोई भी बचने वाला नहीं है ऐसा लगता है। अब ब्रह्मा जी की शरण में देवता लोग गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इसका कोई उपाय नहीं जानता हूं। महादेव भोले बाबा के पास में गए, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कहा, भगवान विष्णु नारायण ने बोल दिया, मैं भी कुछ नहीं कर सकता भैया देवताओं, लेकिन एक उपाय बता देता हूं, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। हम कभी कोई हमारे पास आता है ना और अपना होता है खास, तो उसे कुछ मना नहीं कर पाते, लेकिन अपने पास व्यवस्था नहीं होती है ना, तो ऐसे बोलते दूसरे के पास हो तो जाएगी, बता तो दूंगा, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। वही बोल दिया भगवान नारायण, तो बड़े चला गए ना।
कह दिया एक व्यक्ति संसार में है जो तुम्हारा काम बना सकता है लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा। और वह कौन है? वह है देवों के देव महादेव। और सारे देवता लोग भगवान नारायण के सहित ही महादेव जी के पास में आ गए। और महादेव जी के पास में आकर के आज बड़ी सुंदर स्तुति को करना प्रारंभ कर दिया इन्होंने। देव देव महादेव भूतात्मना भूत भावन त्राहिनम सनापन्नम स्त्रीलोक दहनात विशा। हे भगवान, हे गोविंद, हे महादेव, कोटि कोटि वंदन आपके चरणों में। भोले बाबा ने देखा, पार्वती जी कहने लगे देवता शोरगुल क्यों कर रहे हैं स्वामी। भगवान श्री हरि के द्वारा स्तुति को सुना, क्या बात है? भोले बाबा ने पार्वती माता के कान में कहा सुनो, क्योंकि माता जी ने पूछा है ना क्यों पधारे हैं देवता लोग। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से बोल दिया है, ये मुझे विष पिलाना चाहते हैं इसीलिए शोर कर रहे हैं, या मुझे विष पिलाना चाहते हैं। अब लेकिन देवी एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि मैं कोई भी काम तुम्हारे बगैर तो नहीं कर सकता हूं ना, इसलिए बताओ विष को पी जाऊं या नहीं, विष को पिया जाए या नहीं। पहले उनसे निर्णय करने से पहले तुम्हें पूछ रहा हूं पिया जाए या नहीं। माता पार्वती जी ने कहा पी जाओ। बोले बाबा ने कहा तो ठीक है, देवताओं से कहा एक बात बताओ क्या चाहते हो। देवताओं ने कहा भगवान हलाहल विष। बोले बाबा ने कहा तो आने दो। और जैसे ही हलाहल विष को भगवान ने खींचना प्रारंभ किया, जैसे ही गले में उतारा, भगवान को स्मृति हुई कि मेरे हृदय में तो मेरे भगवान श्री मन नारायण भगवान श्री हरि का वास है, और यह हृदय में अंदर चला गया तो भगवान को पीड़ा होगी, कष्ट होगा, वह तो यह सहन ही नहीं कर सकते ना, इसलिए अब तो बाहर नहीं निकाल सकते, अंदर नहीं ले जा सकते, इसलिए अपने श्री कंठ में भगवान महादेव ने उस विष को धारण कर लिया, उनका कंठ नीला पड़ गया है। लेकिन देवताओं ने उन्हें नीलकंठ महादेव के नाम से जाना। एक बार प्यार से बोल दो नीलकंठ महादेव की। लेकिन एक बात तोर माता सुनो, कथा में ब्याज जी ने कहा था पी जाओ। पतिव्रता नारी का धर्म है पति की सेवा करना, पति का भी कर्तव्य है अपने पत्नी के आचरण स्वभाव का पालन करना। अब ब्याज जी ने कहा था, बोले बाबा ने पूछा पार्वती जी को तो माता जी ने बोल दिया विष को पी जाओ। अब हमका कोई कम पतिव्रता थोड़ी है, मौका मिलेगा तो हम भी कह देंगे तुम भी पी जाओ हैं? ऐसा अब कथा ऐसा कर देते हैं बहुत से लोग। हम क्या कोई उस सती से कम पतिव्रता थोड़ी है, मौका आएगा तो बोल देंगे अपने पति से हम भी दिखा देंगे आप भी पी जाओ। लेकिन वह तो महादेव जी के स्मृति को बल को प्रकार को जानती थी माता जी, इसलिए बोल दिया था कि मेरे पति को विष पीने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला, और जगत कल्याण का काम करने के लिए जा रहे हो स्वामी तो फिर कर डालो पी जाओ इस विष को। लेकिन आपने अगर कह दिया ना पी जाओ तो डेढ़ ही मिनट लगेगी गोविंदाय नमो, डेढ़ मिनट में काम खत्म। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं इस बात को ग्रहण मत कर लेना, ऐसा तुम्हें नहीं करना है। ऐसा तो माता साक्षात भगवती जी ने कहा है महादेव जी को, क्योंकि वह अपने पति के ऐश्वर्य के विषय में जानती है इसलिए। और यहां आगे सागर मंथन चला है बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। तत ऐरावतो नामं बाणेन्द्रो विनकृतः। ऐरावत नाम का हाथी कल्प वृक्ष अप्सराएं निकली जो देवताओं को दे दी गई, कौस्तुक मणि निकली जो भगवान विष्णु को दी गई है। जो भी निकलता है देवता लोगों को भगवान नारायण ने लिया। कामधेनु गाय निकली जो अग्निहोत्र मुनि ले गए उसे, लेकिन उसके बाद में स्वयं शोभायमान माता लक्ष्मी जी निकल करके आई तो झगड़ा होने लगा। सुनो, देवताओं ने कहा हम लेंगे, से दैत्यों ने कहा तुमसे बड़े बलशाली हैं हम, नजर भी मत कर देना नहीं तो फोड़ देंगे आंखों को, हम लेंगे से। अब तो झगड़ा होने लगा, इधर से आवाज जा रही है नहीं हम लेंगे, इधर से कहने लगे नहीं हमें चाहिए, पीछे वालों ने कहा नहीं हम लेंगे। अब
ब्रह्मा जी ने देखा या तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आ गए वहां पर गट्टो करके और कहा सुनो भैया कौन लेगा किसके पास, या रहेंगी या स्वयं इनके ऊपर डाल देते, इसलिए स्वयंवर की रचना कर दी, अपना अपना आसन डाल के बैठ गए सभी। और माता श्री लक्ष्मी जी तो सागर से उत्पन्न होकर के आई हैं, आज जयमाला लेकर के जा रही हैं, देखा है सबसे पहले तुर्वासा ऋषि बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ है महाराज, बात बात पर क्रोध आ जाता है इनको तो, और कहीं भोजन बनाने में थोड़ा नमक मिर्च भी कम रह गया ना तो एकदम से जल लेकर के श्राप भस्म कर देंगे, ठीक नहीं, ऐसा आदमी ठीक नहीं है, आगे बढ़ गई। इसलिए आगे देखा गुरु बृहस्पति जी को, देवताओं के गुरु हैं, ऐश्वर्यवादी हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन विषमता इनके अंदर है, जहां विषमता होती लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। आगे शुक्राचार्य जी को देखा है, देखा या एक ही पक्ष का साथ देते हैं केवल दैत्यों का, लक्ष्मी जी तो एक पक्ष का साथ देने वाली नहीं हो सकती। उसके बाद में आगे बढ़कर के देवराज इंद्र देवताओं के राजा है, पुरुषार्थ भी इनके अंदर है, लेकिन विवेक की कमी है, सब कुछ होने के बावजूद भी सहायता के लिए दूसरों के पास भागते हैं, सर्वस्व होते हुए भी विवेक की कमी है, इसलिए यह भी मेरे लिए ठीक नहीं। आगे गई ब्रह्मा जी को देखा, यह तो गड़बड़ है, चार मुख वाले हैं, कोई भी पीछे वाला काम होता है ना गुप्त वाला नहीं कर पाएंगे, पति देव को सब पता रहेगा, वैसे भी बहुत आयु है, देवता दानव सभी कहना मानते। आगे बढ़कर के महादेव भोले बाबा बैठे हुए हैं, बड़ा सुंदर अमंगल भाव है, ठीक है तपेश्वरी संत है, भस्म लगी हुई है, लेकिन एक ही बात से गड़बड़ बता दिया, इनका संग अच्छा नहीं है, ये भांग दतूरा खाते हैं, और ये क्या मुंडों की माला, और ये इनके अमंगल भेष धारण करने वाले गण लोग हैं, मेरे से कैसे हो पाएगा, छोड़ दिया। आगे बढ़ गई लक्ष्मी ने देखा है नारायण भगवान बैठे हुए, गर्दन नीचे झुकी हुई है, अधरों पर हल्की सी मुस्कान है, बहुत सुंदर स्वरूप है, घुंघराले बाल, चौड़ी छाती, बाजू बंद भुजाओं में बहुत सुंदर स्नेह है, और आज जयमाला को डाल दिया लक्ष्मी जी ने, सब गुण संपन्न तो यही है, इसलिए यही मेरे लायक है। और जैसे जयमाला पहनाई, नारायण भगवान ने हाथ पकड़ा और कह दिया कान में बाग चलो, क्योंकि मेहनत कर रहा है कोई और ले जा रहा है कोई, लेकर के चले गए, प्रेम से बोलेंगे लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब देवताओं को जो डर था वही हो गया, दैत्यों ने कहा अपने अपने घर जाओ, अब सागर मंथन नहीं होगा, जो भी निकलता है तुम लोग ले लेते हो, हमें कुछ दिया तुमने, अपने घर जाओ, हमें नहीं करना यह मंथन। देवताओं ने भगवान से कहा लक्ष्मी जी को ले जाकर बैठ गए हो, क्या करें अब। भगवान ने कहा इन दैत्यों से यह बोल दो कि अब के जो भी निकलेगा वह तुम्हारा होगा, चाहे वह अमृत ही क्यों न हो। और देवताओं ने बोल दिया भैया सागर मंथन तो करना पड़ेगा, लेकिन अब की बार बाधा है, जो निकलेगा वह तुम्हारा। और देखिएगा बड़ा सुंदर भाव है, जब सागर मंथन हुआ तो अब की बार निकला है बाउरी नाम की कन्या और मदरा, ये तो लायक ही दैत्यों की है, दे दिया ये तुम्हारा है, तुम लो इसे। उसके बाद मंथन चलाए, बाल नाम के ध्वज नाम के चंद्र निकले, चंद्रमा भगवान भोलेनाथ को दिए गए, इन्होंने भी कुछ किया है भाई, इनको दे दिया, जो कि उनकी मस्तक की शोभा बनाते, बाल चंद्र बोलते हैं। और उसके बाद में सागर मंथन चलाए है बहुत अच्छी प्रकार से, विभिन्न भांति रत्नों के द्वारा आज या धनवंतरी भगवान अमृत का गड़ा लेकर के जैसे निकल करके आए, राजा बलि ने बढ़ करके वह गड़ा उसे छुड़ाया और लेकर के भागना प्रारंभ कर दिया। देवताओं ने कहा हो गया काम, इसके अंदर सामर्थ्य राजा बलि से वह छुड़ा लिया जाए। भगवान के पास देवता लोग गए, आज भगवान ने कहा देवताओं तुम्हें अब कुछ नहीं करना, जो भी करूंगा मैं करूंगा। इसलिए साथियों आज ध्यान देने की बात है, भगवान ने देवताओं का भला करने के लिए आज मोहिनी रूप धारण कर लिया, मोहिनी माने नारी का रूप, और ऐसा सुंदर स्वर रूप बनाया मोहिनी, विश्व मोहिनी, सारे विश्व को परमात्म मोहित कर देने वाला रूप। और आज बड़ा सुंदर भाव से मोहिनी रूप में, मोहिनी अवतार में, एक बार बोल दो प्यार से मोहिनी भगवान की। दैत्यों के पास में आ गई अपनी पायल से छम छम छम, राजा बलि ने जैसे देखा ये तो
बुद्धि खराब हो गई दैत्यों की, तो कामा तो रो गए यहां से। और राजा बलि ने पूछ लिया, देवी किसकी पुत्री हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, क्या काम करती हो तुम? सारे दैत्यों ने गिन लिया। मोहिनी भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा है, राजन मेरा नाम है मोहिनी, और हे राजन मैं लता पताओं की पुत्री हूं। राजा बलि ने कहा, वो तो हमें लग रहा है, लेकिन काम क्या है? भगवान मोहिनी ने मुस्कुरा करके कहा, राजन मेरा कार्य है सभाओं में नित्य आलिंगन करना, अपने मन से, दबाव नहीं। राजा बलि ने कहा, तो हमारे पास चलिए ना, हमारे यहाँ हमारी सभा में कुछ। भगवान नारायण कह रहे हैं, जो मोहिनी बने हुए हैं, जहां पर झंझट होता है ना, कलह होती है, वहां नहीं जाती मैं। और आप तो भाई भाइयों में झगड़ा हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ कैसे चली जाऊंगी? राजा बलि मोहित हो गया, देवी ये झगड़ा जो हो रहा है।